वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं किचन के बहुत यूजफुल प्रोडक्ट, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स रिक्वेस्टेड भी हैं और कुछ ऐसी हैं जो एवरी डे यूज होंगी और कुछ ऐसी हैं जो आपके इस टाइम में गर्मी में बहुत काम आएंगी। और ऐसी चीज भी है जो कि आपकी छोटा किचन है, अगर आपके पास स्पेस कम है तो स्पेस सेविंग प्रोडक्ट भी है। ऑल ओवर बहुत यूजफुल प्रोडक्ट होगा आज की वीडियो में, एंड आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पसंद आने वाला है आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ध्यान में रखा है हमने इन सब चीजों का कि यूजफुल हो प्रोडक्ट, मतलब ऐसे कुछ भी ना ले, बस चीजें ऐसी हो जो अफोर्डेबल भी हो और यूज हो आपके। तो ऐसा मतलब सोच के हमने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। तो इसके लिए आप मेरे को एक लाइक कर दीजिएगा, आई मीन मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रोडक्ट है एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट जो कि इस गर्मी में तो बहुत काम आने वाला है, और ये है फ्रूट जूसर हैंड प्रेस सिट्रिक्स लेमन स्क्वीज़र। तो मतलब ये यूज़ करना बहुत आसान होने वाला है, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। इस प्रोडक्ट का प्राइस है 382 रुपीज़, जो कि प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइस मेरे को सही लगा। तो देख सकते हो आप, ये देखने में कुछ इस तरह से है, बहुत ज़्यादा हैंडी प्रोडक्ट है। क्वालिटी एंड बाकी इसका यूज़ कैसे होता है ये हम आपको अभी बताते हैं। ये जो हैंड प्रेस स्क्वीज़र है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, एंड जैसा आप पिक्चर में देखोगे आपको एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा हैंडी है। अगर आपके पास जूसर नहीं है, आप मिक्सी में करते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल भी है। इस प्रोडक्ट की मटेरियल है एल्यूमिनियम। हाँ, मेरे को पता है एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करना चाहिए, हार्मफुल होता है, लेकिन देखिए इस चीज़ में मतलब हम कुछ ऐसा पका नहीं रहे, कोई उबाल नहीं रहे, तो ये थोड़ी देर का काम है, सिर्फ हमें स्क्वीज़ करके जूस निकालना है। आई थिंक हम डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ईजी टू यूज़ है, मतलब आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको इससे जूस निकालने में। और हाँ, बहुत ज़्यादा प्योर जूस आपको मिल जाएगा इसमें, क्योंकि हम पानी भी मिक्स करते हैं ना कई बार ब्लेंडर में, या फिर अगर हम जूसर में यूज़ करते हैं तो पानी भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आप पानी बाद में यूज़ करेंगे। अगर आपको चाहिए मिक्स करना है तो आप पानी यूज़ कर सकते हो। तो मेरी तरफ से तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आप ये देखेंगे कुछ इस तरह से ये काम करता है, एंड यहाँ से आप जूस आराम से ग्लास में पोर कर सकते हो। तो बहुत पसंद आया मेरे को, क्वालिटी भी अच्छी है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको पसंद है। हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि ये अभी गर्मी के टाइम में बहुत काम आने वाला प्रोडक्ट है, तो इसलिए हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। तो पसंद आ रहा है अगर आपको तो ट्राई कर लीजिएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये एक स्पेस सेविंग प्रोडक्ट है, मतलब अगर आपकी किचन छोटी है या फिर आपके पास लिमिटेड स्पेस है किचन में तो ये डेफिनेटली आप चेकआउट करिएगा, आपको पसंद ज़रूर आएगा। अब हम आपको बता देते हैं ये है क्या। तो ये 5 पीसेस मिलेंगे आपको। रीयूजेबल ग्रेन मॉइस्चर प्रूफ सील्ड बैग है, जिसकी साइज़ ईच की साइज़ है 1.5 लीटर, मतलब 1.5 किलो तक आप इसमें दाल हो गया या फिर आपके कोई किचन के ग्रेन्स हो गए या फिर चीनी हो गई, कुछ भी आप स्टोर करना चाहते हो आप इसमें स्टोर कर सकते हो। काफ़ी अच्छे हैंडल के साथ दिया गया है, एंड लिड भी अच्छे से एयर टाइट होता है। तो फिलहाल हम इसके अंदर आपको डाल के जो भी चीज़ मेरे पास है वो हम दिखा रहे हैं, और मेरे पास अभी इसके ऊपर के लिए यूज़ करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने एक पेपर का थोड़ा सा थिक पेपर लेके फोल्ड करके लगा दिया। ये प्रोडक्ट भी हमने अमेज़ॉन से मंगाया है जो जल्दी डिलीवर हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे, मतलब जब भी आपको फिल करना है फिल कर लीजिए, और ये देखिए इसको आप टाइट से बंद कर देंगे। और मतलब देखने वाली बात क्या है आपको हम बताएंगे अभी, क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। कई बार होता है ना, मतलब जिनकी किचन छोटे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हम कम स्पेस यूज़ करके अपने काम को, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ आराम से। तो अगर हम कंटेनर या फिर कोई ऐसे जार्स रखते हैं तो स्पेस तो लेता है, और बहुत सारे ऐसे किचन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जहाँ पे हमें हर चीज़ देख देख के सोच सोच के लेना पड़ता है। ये जो 5 पीसेस जो मिले हैं ना मेरे को, ये इतने कम जगह में आ गए। अभी हम एक छोटा सा बास्केट लेंगे, मतलब मेरे पास एक छोटा सा कंटेनर टाइप इस तरह का है, इसमें हम आराम से 5 दाल रख सकते हैं। तो देखिए कितना जगह बच गया। अगर आप एक एक कंटेनर रखते हैं 1-1 किलो का तो भी कितना ज़्यादा जगह ले लेता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सही प्रोडक्ट लगा मेरे को। प्राइस भी इसकी बहुत अफोर्डेबल है, 228 रुपीज़ में आपको ये 5 पीसेस मिलेंगे, जो कि 1 किलो से ऊपर ही आप इसमें चीज़ें डाल सकते हो। इसको आप फ्रिज में भी लगा सकते हो अगर आप चाहो। आपके फ्रिज में फ्रिज की डोर में होता है ना, कई बार हम स्पेस मिल जाता है हमें, तो वहाँ पे भी आप रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और दूसरी इतनी सारी चीज़ें आपकी आराम से एक छोटी सी जगह में आ जाएगी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मेरे को, काफ़ी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है और यूसेज भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा अगर आपको पसंद नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपके किचन के लिए यूज़फुल हो सकता है, डेफिनेटली ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये डेफिनेटली आई थिंक बहुत सारे लोगों के किचन में ऑलरेडी होगा, और जिनके पास नहीं है वो तो ये वीडियो देख के आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है और बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, काफ़ी यूज़फुल है। क्योंकि मेरे किचन में नहीं है, अभी हमने मंगाया है इसको, और इसमें 7 आपको इस तरह के छोटे छोटे मतलब कंटेनर्स मिलेंगे। स्टेनलेस स्टील है, लिड आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा, एक स्पून भी मिलेगा इसके अंदर। प्राइस है इसकी 373 रुपीज़। आप कोई भी खड़े मसाले हो, पाउडर्ड मसाले हो, आराम से रख सकते हैं। इसकी जो अहमियत है ये मेरे को भी पहले थोड़ी कम पता थी, लेकिन अब मेरे को समझ में आता है, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। आपने मेरे किचन में देखा होगा छोटे छोटे कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं, वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। लेकिन स्टिल मेरे को अब लगने लगा है कि मतलब एक कंटेनर में आपको सारे मसाले मिल जाएं एक बार में यूज़ करने के लिए। जैसे एक कंटेनर उठाया, सब्ज़ी में आपको जितने मसाले डालने हैं आप एक साथ यूज़ कर लोगे। अब मेरे को अलग अलग उठाना पड़ता है एक एक करके, तो इसलिए हमने इसको ऑर्डर कर दिया। फाइनली हमने सोचा अब मेरे को भी ये चाहिए। इसके बाद एक और भी लेंगे हम। अभी इसमें हमने खड़े मसाले डाले हैं, अगला हम पाउडर्ड मसाले के लिए लेंगे, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमने सोचा है वो थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, मतलब जो एक ब्रास वाला आया है ना वो ले लेंगे, तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मसाले मिक्स भी नहीं होते। ऑल ओवर A1 प्रोडक्ट है। पहले ये काफ़ी महंगा भी था, अभी रीज़नेबल है, 373 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं इसको। आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे यूनिक आइटम्स आ गए हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट ये मेरे को दिखा, जो कि है स्टैंड है, जो कि गैस सेवर बर्नर के लिए है। आप बर्नर के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से लग जाएगा, मतलब ये इसका मटेरियल है सिल्वर मटेरियल है, हैवी सिल्वर मैनुअल गैस स्टोव स्टैंड है ये। तो इसका प्राइस है 198 रुपीज़। क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा है, एंड इसमें कुछ ऐसे स्लॉट्स दिए गए हैं जो कि आपके गैस स्टोव पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बर्नर राउंड है तो ये आराम से एडजस्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर कुकिंग करने का एक फ़ायदा यही है कि आपका गैस स्टोव कम से कम यूज़ होगा। जैसे होता है ना कि हवा लगती है तो उड़ता रहता है गैस, एंड कुकिंग में टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से उसका जो आग है वो लग नहीं पाता है बर्तन में, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड अच्छा लगा मेरे को प्रोडक्ट। आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो फिर आप ट्राई करिएगा। मेरे को तो लगा कि ये यूज़फुल है, एंड सारे टाइप के बर्तन इसके ऊपर फिट आ जाएंगे, तो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक और स्पाइस के लिए है ये, आई मीन स्पाइसेस रख सकते हैं आप इसमें, या फिर ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। मसाला बॉक्स है, 177 इसका प्राइस है, लेकिन ये टूटा हुआ आया है, मतलब डिफेक्टेड आया है। आप लोग को लगता है कि हमें डिफेक्टेड नहीं आती, हमें क्वालिटी अच्छी नहीं आती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास भी कई बार टूटी हुई चीज़ें आ जाती हैं। तो ये देखिए अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है बोलने के लिए, इसको मेरे को रिटर्न करना है। वैसे प्रोडक्ट अच्छा था, बट ट्रांसपोर्टेशन में टूट गया है। ये भी काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। अगर आप आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी किचन में सारी चीज़ें एकदम अच्छी अच्छी हो, तो फिर आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ भी हमारा काम चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो काम रुका हुआ है। ये छोटे छोटे स्पून्स हैं, मिनी स्पून्स, जो कि आप अपने मसाले में, अपने मतलब अपनी सॉल्ट में, चीनी में, चायपत्ती में रख सकते हो। देखने में बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है। छोटे छोटे 10 पीसेस मिलेंगे इसमें। प्राइस है इसकी 225 रुपीज़, मतलब 225 में कोई एक बार के लिए थोड़ा महंगा लगा, लेकिन क्वालिटी देख के लगा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है, ऑल ओवर अच्छा लगा मेरे को। तो देखिए मेरे पास है कुछ मसाले, वैसे ये वाला मसाला का डब्बा अगर आपके पास भी है और आप चाहते हैं कि आपके मसाले मिक्स ना हो, फिर आप ये स्पून्स इसमें अलग अलग करके डाल सकते हैं, क्योंकि साइज़ भी काफ़ी परफेक्ट है, एकदम आ जा रहा है, मतलब इस डब्बे में एकदम सही से आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि लिड नहीं बंद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने इसमें यूज़ करके देख लिया और मेरे को अच्छा लगा। इसके अलावा ना मेरे किचन में कुछ और भी ऐसे मतलब ऊपर कंटेनर्स एंड जार्स रखे हुए हैं जिसमें मेरे पास स्पून्स नहीं है। कुछ हैं, एक दो में हैं, दो तीन में, और कुछ में नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो मेरे को सही लगा ये। तो देखिए छोटे छोटे जार्स जो है मेरे पास, इनमें सब में है नहीं स्पून्स, तो इनमें भी बहुत सही से आ जाएंगे। ये एक बार ही लेना है, बार बार लेना भी नहीं है, यही सोच के हमने भी मंगा लिया। मेरे को अच्छा लगा, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको प्राइस सही लग रहा है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिसमें नहीं थे, इसलिए हमने डाल लिए, और एक दो बच भी गए लास्टली, क्योंकि मेरे कुछ उसमें थे भी स्पून्स। तो आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये है एक रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट, जो कि एक वाटर बॉटल है ग्लास में। ये मेरे को किसी ने बोला था दिखाने के लिए काफ़ी टाइम से, तो हमने एक मिल गया, आई मीन अच्छा लगा मेरे को, इसलिए हमने मंगा लिया। 750 ml इसकी साइज़ है एंड ग्लास में है ये। तो ये रेफ्रिजरेटर के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर आप फ्रिज में पानी रखते हैं तो आप ले सकते हो इसको। काफ़ी ज़्यादा थिक इसका ग्लास है, और इसकी साइज़ हमने आपको बताई 750 ml है। प्राइस इसकी 181 रुपीज़ है, और क्या है ना, लीक प्रूफ है, मतलब बिल्कुल लीक नहीं होगा, और फूड ग्रेड ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है। देखने में ग्लास की तो लुक ही अलग होती है, तो अच्छा लगा मेरे को। आप फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं, और इस टाइम आप गर्मी में इसमें पानी रख लीजिए, उसके बाद आप इसमें दूध भी रख सकते हैं, मतलब दूध जो बच जाता है, बड़ा सा कोई बर्तन लगाने से अच्छा आप इसमें डाल के रख सकते हो। अच्छा प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है किचन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हमने मंगाया था खुद के लिए, तो सोचा अलग से क्या दिखाएंगे, इसलिए हम इसी वीडियो में ऐड कर रहे हैं। ये एक वॉच का बॉक्स है जिसमें आप बहुत सारे वॉच रख सकते हैं। अगर आप कलेक्शन रखना पसंद करते हैं वॉच के, फिर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसका प्राइस 774 है, और जेनवुड यूनिसेक्स 12 स्लॉट्स के साथ आपको मिल जाएगा ये वाला बॉक्स। देखने में तो बहुत अच्छा है, लेदर फिनिश है, PU लेदर इसका बॉक्स है, और इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह के ना कुशन्स दिए गए हैं, छोटे छोटे हैं, जिसमें आप घड़ी लगा के रख सकते हैं। अच्छी बात है कि ऊपर से ट्रांसपेरेंट है। मेरे पास बहुत सारे वॉच तो नहीं है, बट स्टिल ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमने इसको मंगा लिया। इन फ्यूचर हो सकता है और आ जाए धीरे धीरे करके, तो फिर हम इसमें अच्छे से रख सकते हैं, और सारी घड़ियाँ एक जगह मिल जाएंगी, क्योंकि वैसे कभी यहाँ रखा है, कभी वहाँ रखा है, तो मिसप्लेस भी हो सकता है, तो इसलिए हमने मंगाया। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है इस बॉक्स की। अगर आप एक टाइम इन्वेस्ट करके थोड़ा अच्छा सा लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, अदरवाइज आपको छोटा वाला भी मिल जाएगा, लेकिन हमने सोचा बार बार नहीं खरीदना है, एक ही बार ले लेते हैं बड़ा वाला, तो इसलिए हमने 12 स्लॉट्स वाले ले लिए। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। 774 रुपीज़ का है। जैसा आपने पिक्चर में देखा होगा, कैटलॉग पिक्चर में आपको एग्जैक्टली वैसा मिलेगा। काफ़ी अच्छे से लॉक भी हो जाता है। ऑल ओवर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ट्राई कर सकते हो। एज अ गिफ्ट पर्पस भी आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में गिफ्ट करना चाहते हो तो भी ले सकते हो। ये थे आज के सारे प्रोडक्ट्स। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ तो पसंद जरूर आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड आगे और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको होम ऑर्गेनाइजर, होम डेकोर, किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।